अरे ओले 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 हाँ 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 आया आया दे रहा हूँ हाँ हाँ दे रहा हूँ दे रहा हूँ दे रहा हूँ दे रहा हूँ दे रहा हूँ। स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे एक और नए दिन के एक और नए ब्लॉग में। हमें नींद अभी कम्प्लीट नहीं हुई है, पता नहीं क्या हुआ, मैं कल पूरे दिन सोया भी नहीं, तब भी मेरे को रात को 2-3 बजे के बाद ही नींद आई और फिर मैं अभी 8 बजे उठ भी गया। खैर कोई बात नहीं, मेरा आज खाने का मन कर रहा है बन समोसा, तो समोसे तो आ गए हैं लेकिन बन नहीं है, तो ये बन लेने के जाना है मम्मी के साथ पास में, चलो फिर लेके आता हूँ बन। सिम्बा सिम्बा यहाँ पे क्यों बैठा है छोटा सा सिम्बा, हाँ यहाँ पे तो पक्के क्यों बैठा है यहाँ पे छोटी सी सिम्बी क्यों बैठी है इतना छोटी जगह में। अरे सिम्बू तो फंस गया यहाँ पे, सिम्बू फंस गई। लो एकदम सुनसान मॉल बड़ा है, सुनसान एकदम। मम्मी सामान अगर नहीं मिला तो हाँ यही है ना, हाँ चार हो गए ना काफी, तो एक ही काफी है। और ये पूरा बन के रेडी हो गया है, उधर से उधर शिफ्ट हो गया सामान। एक आई थिंक 3-4 महीने लग गए इसमें, यहाँ पे काम होते होते थे लेकिन फाइनली जगह बन गई और उधर का इधर शिफ्ट कर दिया सामान। लो मुझे ना सालसा सॉस बड़ी पसंद है, सालसा सॉस मिल गई इसको ले लिया, चलो काफ़ी है बस चलो। तो बाहर निकल आया हमने वहाँ से, शिम्बू ओए शिम्बू 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 गुड मॉर्निंग शिम्बू गुड मॉर्निंग। हमें दे दो गरम करके, ये क्या करने लगे टिंडे, कब बने हो गए सोनू उठ जा। सिम्बा उठो उठो सिम्बा उठ जा, सिम्बा उठो चलो काम कर दो, एक गब्बर है भैया। सिम्बा उठो चलो जाओ, सिम्बा आओ जाओ, ऑलरेडी है तो ऑलरेडी है बेचारे ने। सिम्बा आओ चलो बिस्कुट, आजा 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 बिस्कुट दूंगा, आजा आओ आओ आजा शिम्बू आओ चलो भाई। कोई कोई कान पे तो जू नहीं रहेगी आंटी आंटी, उठ जा उठो चलो भाई, सो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा आज, सारी काम मेरे से करवाएगा। और ये मेरा बन समोसा विद चटनी इज रेडी, बस काफी। वेरी गुड मॉर्निंग, मेरा तो मोस्टली अपना मैंने काम कल ही कंप्लीट कर लिया था, तो आज मेरे पास काफ़ी काम है, तो मैं इसलिए सोच रहा हूँ कि एडवांस काम कंप्लीट करके रख लूँ ताकि आज का दिन मेरा वेस्ट ना हो, मैं इन्जॉय कम करूँ खाली ना बैठूँ, उसकी जगह जो मेरे को फ्यूचर में जो वीडियो डालनी है उनकी प्लानिंग वगैरह कर लूँ रिसर्च कर लूँ, काफ़ी सही रहता है हेल्पफुल रहता है। तो आज का दिन शुरू करते हैं और नहा धो चुका हूँ मैं। और ये सिम्बा जी का चल रहा है ब्रेकफास्ट, सिम्बा जी पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं और कहाँ कहाँ पर गिरा गिरा के खा रहे हैं, यहाँ पर नहीं खाएगा इसमें से नहीं खाएगा, नीचे गिराएगा फिर खाएगा। वेरी गुड वेरी स्मार्ट सिम्बा वेरी स्मार्ट। अभी बढ़िया से सो गया था मैं, 1 घंटा सो के उठा क्योंकि कल रात को नींद कम्प्लीट नहीं हुई थी और बहुत डिजी डिजी फील हो रहा था जैसे सो गया। हाँ भाई का काम किया जाए निपटाया जाए, ये देखो ये पीछे खड़ा हुआ शिम्बू आजा आओ आजा आओ आजा आजा आओ आजा आओ आओ बैठ गया आओ आओ नहीं आ रहा सिम्बा को। आज का दिन ना बड़ा स्लो गुजर रहा है, काफ़ी काम भी मैंने अपना कर लिया, रिसर्च वगैरह भी कर लिया, नेक्स्ट वीडियो वगैरह भी, बड़ा स्लो होता है ना कुछ ऐसे दिन जिस दिन आप बड़ा ही स्लो होता है वैसे कुछ फील हो रहा है मेरे को, आलस आ रहा है और काम भी अपना कंप्लीट कर लिया। अब मुझे लगता है कि मैंने शायद थोड़ा ऐसा हूँ कि खाली नहीं बैठना पसंद होता, कुछ ना कुछ बस मेरे को करते रहने चाहिए, चाहे ब्लॉगिंग हो एडिटिंग हो, मोस्ट ऑफ द टाइम जितना भी मेरा होता है कंप्यूटर पर बीतता है, मैं एडिटिंग करते रहता हूँ उस टाइम पे बिल्कुल नॉर्मल फील होता है, जैसे कुछ देर खाली मिल जाती है ना अजीब लगता है खाली क्यों बैठा, इनफैक्ट मैं अभी बैठ के ना टीवी फिल्म भी नहीं देख सकता खाली बैठे बैठे, या तो खाना खाते हुए या फिर नहीं देख पाता, कब बैठे हो तो फिल्म नहीं देख पाता एटलीस्ट जब तक मैं थिएटर में ना हूँ, तो बड़ी ये भी एक समस्या हुई है। अभी हाल फिलहाल में कुछ नेटफ्लिक्स पर नई फिल्म आई है, डिज्नी प्लस हॉटस्टार फिल्म आई है, मन ही नहीं करता देखने का बैठे बैठे, ऐसा लगता है एडिटिंग ही कर लो कुछ और काम कर लो, आई थिंक ये बस ये एज के ज़्यादा ऐसा होता है। लेकिन है एक है सिम्बा जो उसको बस खाली बैठना ही पसंद है, कुछ नहीं करेगा बस खाली, कुछ नहीं कर रहा है, खेल नहीं रहा है, अपना खाना नहीं खा रहा है, बस बैठा हुआ है, इसको मैंने दो बुलाया इधर भी नहीं आया, अपनी जगह जाके वापस बैठ गया और फैन यहाँ पे चल रहा है बट जाके उधर बैठे कोने में क्योंकि इसको वहाँ पे बैठना पसंद है।
काफी टाइम लग गया ना, टाइम लगा दिया सर, मैं तो बिल्कुल फ्री बैठा था। हाँ नहीं वो तो मैं देखा था, आप तो बहुत पहले पहुंच गए थे, उन्होंने बहुत टाइम जी ऑर्डर का वेट करते हैं कि जल्दी रेडी हो जाए। अच्छा, अच्छा। तो मतलब उसके थ्रू आप कंप्लेंट भी कर सकते हैं कि आपको जरा वेट कराया। बता रहे हैं भैया कि सामान तो मतलब क्या ही देना था, रेडी वाला सामान था ठीक है, पकड़ाने था उनको, पकड़ाने में उन्होंने आधा घंटा खा लिया उनका, तो क्या उनका नुकसान होता है वो जितना वेट करते हैं डिलीवरी बॉयज, उनका भी इतना नुकसान होता है ना, तो फिर वो बता रहे थे अब इसे कंप्लेंट करेंगे वो, क्योंकि उन्होंने इतना टाइम लगा दिया देने में। मैं अभी सिम्बा को वॉक पे लेके आया हूँ, ये देखो ये कितना प्रिटी लग रहा है यहाँ पे से, इतने पत्ते वत्ते गिरी पड़े हैं रास्ते में, कुछ ऐसे वॉलपेपर्स होते हैं ना आपने लोगों ने देखे होंगे जिस पे पीछे से पत्तियाँ, मतलब आगे रास्ता है जंगल के बीच के नीचे पत्तियाँ वत्तियाँ गिरी पड़ी हैं, तो वैसा लगा था। एक फ़ोटो क्लिक करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर खींच पाऊँ तो ये सिम्बा पहले मुझे खींच रहा है, फ़ोटो मैं क्या ही खींचूँगा, परेशान कर रहा हूँ सिम्बा। ये देखो ये देखो खींचे जा रहे हैं, अपनी पूरी एनर्जी लगाता है और वाकई बहुत ताकत है यार इसमें, बहुत ताकत है, जब ये खींचता है ना तो किसी अच्छे खासे को खींच ले, मतलब कोई छोटा बच्चा तो एटलीस्ट को नहीं संभाल पाएगा, पूरी जान लगाया था खींचने में यार। आओ शिम्बू। ओ ये घास पत्ती खा रहा है, आई थिंक इसका पेट वेट खराब हो गया, कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा, इसने घास पत्ती खा रहा है अभी, तो वो होता है ना डॉग्स में जब उनके पेट खराब होता है तो घास वगैरह खाने लगते हैं, तो इसने शायद अपनी तरफ मुझे खींच रहा है जल्दी जल्दी। चलो इधर चलो, चलो सिम्बा चलो, रुक जा छोटे बीबी रुक जा, इतनी जल्दी नहीं, चलो चलो अंदर। मम्मी घास खा के आया, पेट खराब है। हाँ पेट खराब है, बैठ गया उल्टा के बैठ गया, बहुत सारी घास खाई है, पूरी एनर्जी से खींच रहा था मुझे, पेट गड़बड़ है उसका, गर्मी हो गई होगी। हाँ हो सकता है, पानी तो बहुत पीता है। नहीं फिर भी गर्मी लग जाती तो पेट खराब हो ही जाता है। एक बात बताओ मम्मी, उधर ही जाके क्यों बैठते सिम्बा, उधर कोने में तो पंखा भी नहीं चल रहा है, ठंडा क्यों था, ठंडा का तो इधर तो, लेकिन पंखा तो उधर चल रहा है, बेशक इधर से गर्म हवा आती है तो ठंडक रहती है, सहारा रहता बुढ़ापे नहीं तो फिर बिल्कुल ही पीछे जाके लेटता है, पीछे जाके सोता है। गर्मी एक नया काम सीख गया, क्या लेगा, रोज पानी की बोतल फेंक देता है, पानी बोतल, वो पानी में लेटने के लिए, वही है गर्मियों में पानी में लेट लग जाते ना फिर राशि हो जाएंगे इसको। लाइफ में कुछ छोटी छोटी खुशियां होती है ना कि आपको ये काम करने बड़ा रिलैक्स फील करते हो, ये काम करने आपको बड़ा अच्छा लगता है, आप दिन भर में काम करे तब थका घर लौटते हो तो आप मे बी टीवी देखने जाते हो, फैमिली का टाइम स्पेंड करने जाते हो। मेरा क्या है कि जब मेरे को टाइम नहीं मिलता है तो मैं साथ में पॉपकॉर्न खाता हूँ और सामने को देखता हूँ, और मैं अभी देख रहा हूँ फिलाडेल्फिया मूवी सोनी लिव पे, टॉम हैंक्स डेंजल वाशिंगटन, इसके मैंने बहुत सुना है कि काफ़ी अच्छी फिल्म है, तो बस अभी वही देख रहा हूँ और पॉपकॉर्न चल रहा है। आज मैं प्रॉपर पूरी तैयारी के साथ डॉग्स के लिए खाना पानी लेके जा रहा हूँ, डब्बा भी मैंने अपने पास ले लिया है, बस मिल जाए कहीं उधर उधर ना भाग गए हो, तो यहीं पे मिल गया है तो ओए आ जा, आओ आगे 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 आगे, अले ओले 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 ओले, हाँ 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 हाँ, आया आओ, दे रहा हूँ दे रहा हूँ, हाँ हाँ दे रहा हूँ 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 दे रहा हूँ, भूखा था बेचारा, दे रहा हूँ 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 दे रहा हूँ, सेट 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 सेट, इसको तो खाना पानी हो चुका है, अपने खाना भी छुपा दिया उसने, वो उसका आगे इसका छोटा भाई बैठा है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, अब उसको भी देखे आऊँगा खाना, पिए वाला पी रहा है, उसका तो हो गया तो मस्त चला गया अपना, ये है इसके घर परिवार, इनके याद रहता है, ये बहुत प्यास हो गया यार, ये इसको यहाँ पे खेलने में मज़ा आ रहा है, ये यहाँ पे दूर से भागते आता है, उसमें सीधा कूदता है जब मारता है। चलो बाय बाय आज के लिए बाय। पता है ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे लगा नहीं था कि आज मैं व्लॉग बना पाऊंगा, और क्योंकि मेरे को बाकी काम भी करना था, जो कि मैंने वो काम भी कर लिया और पता नहीं व्लॉग भी बन गया आज, आज मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। एक और चीज़, सिम्बा को टिक इन्फेक्शन हो गया है और उसके आज इतनी मोटी गाइस मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में इतनी मोटी टिक, और उसके नीचे उसके बच्चे टिक्स, बहुत छोटे छोटे टिक्स एक ही जगह पे, उसको बाहर निकाला, उसको भी नहलाया धुलाया, अब मुझे लग रहा है कि उसके ना बाल काटने पड़ेंगे बाल काट के एक बार सारी क्लीनिंग, गर्मियों में हमेशा होता है या तो पानी में जाके बैठते हैं ठीक है, अब तो उसको हटाने लग गए हम, क्योंकि जब स्टार्टिंग में सिम्बा को लेके आते तो उसको रैशेज आते थे, हमको पता नहीं था, तो वेट ने बताया कि आपका डॉग पानी में जाके बैठ रहा होगा, हमने कहा हाँ पानी में जाके बैठता है, तो कहते तो पानी में रहेगा ना, तो मतलब डॉग्स और कैट्स को तो पता नहीं, लेकिन इनकी स्किन ना बहुत सेंसिटिव होती है, ये पानी में ज़्यादा रह नहीं सकते, इसलिए इनको ना रोज़ नहीं नहलाना चाहिए, गर्मियों में हफ्ते में एक या दो बार मैक्सिमम, नहीं दो हफ्तों में एक बार, बल्कि एक हफ्ते में एक बार, फिर दो हफ्तों में एक बार नहलाना चाहिए, रोज कभी नहीं। तो खैर अभी सिम्बा के लिए मेडिसिन लेके आए हैं,
और उसके देखते हैं बाल कैसे काटते हैं, हर पूरे काटते हैं फिर थोड़े थोड़े से काटते हैं वो भी देखते हैं। और आज का कोट ऑफ द डे है वो ये है कि सिंस मैंने व्लॉग कंप्लीट कर लिया आज ना, मतलब सोचा भी नहीं था मैंने, तो ये है कि चाह है तो राह है, यही आपका आज का कोट ऑफ द डे है। और कैसी लगी आपको वीडियो, कैसा लगा आपका मेरा दिन, प्लीज आप मुझे कॉमेंट्स बताइए, लाइक सब्सक्राइब और कॉमेंट फिर से कॉमेंट शेयर कर दीजिए। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज, लाइफ हमेशा अच्छा करिए, आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। Oh, 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 oh,